भारत सरकार की नई शिक्षा नीति को पूर्ण रूपेण लागू करना मेरी प्राथमिकता होगी। शिक्षा परीक्षा को सुधारवादी कदमों को और अधिक गति देते हुए बोर्ड की कार्यप्रणाली को अधिकाधिक सुदृढ़ किया जाएगा। ये बात हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन वीपी यादव ने आज पदभार संभालने के पश्चात कही। इससे पूर्व उन्होंने बोर्ड की लॉबी में स्थापित माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की। नई जिम्मेवारी देने पर सबसे पहले तो मैं मनोहर खट्टर जी का और शिक्षा मंत्री श्री कंवल सिंह पाल गुर्जर जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार जताना चाहूँगा इसमें। और जहाँ तक रहा उन्होंने जिम्मेवारी दिया, आगे सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि बोर्ड को शैक्षणिक तौर पर, क्योंकि एक एग्जामिनेशन नहीं, परीक्षा बोर्ड नहीं, हम सिर्फ शिक्षा बोर्ड भी हैं, तो नई शिक्षा नीति को पूर्णता से, दृढ़ता से लागू करना ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और जो नया रोल बोर्ड का है नई शिक्षा की नीति देने, खासतौर पर परीक्षाएँ और मूल्यांकन का प्रारूप है, वो बदलेगा। तो ये हमारी सबसे बड़ी परीक्षा रहेगी, एसटेट का एग्ज़ाम करवाना और नए सिस्टम और नई नीति को, जिसमें भारतीयता का मूल जो विशेष तौर पे नई शिक्षा नीति में, उसको भी हम दृढ़ता से लागू करेंगे।